चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। जनपद हमीरपुर के कोतवाली मोहदार में उस समय हड़कंप मच गया जब बीती रात पुलिस हिरासत में दुष्कर्म का आरोपी की संदिग्ध मौत हो गई। अब यह हत्या है या आत्महत्या, इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने एक उपनिरीक्षक सहित दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है और अपर पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच सौंप दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला मोहदा कोतवाली का है, जहां दुष्कर्म के आरोपी 22 वर्षीय संजय पुत्र भोला निवासी खंडुआ थाना खन्ना जनपद महोबा को पुलिस ने कुछ दिन पहले नोएडा से हिरासत में लेकर कोतवाली लाई थी। फिर भी नामजद गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने जेल भेजने के बजाय अपनी हिरासत में रखा व कड़ी पूछताछ करती रही। इसी बीच बीती रात को आरोपी की संदिग्ध मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक ने लॉकअप गेट में अपनी शर्ट में फांसी लगा ली है, जिसे गंभीर अवस्था में सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया और रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। हालांकि ये बात परिजनों सहित पूरे नगर में सभी लोगों को गले नहीं उतर रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने मोहदा में तैनात उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार सहित सिपाही अनुज कुमार व अनूप कुमार को निलंबित कर दिया है और लॉकअप के खराब कैमरा सहित आरोपी की गिरफ्तारी कब और कहां हुई वह पुलिस हिरासत में हुई है। आरोपी की मौत के तथ्य जुटाने के लिए मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई है। हमीरपुर जनपद के मौदहा थाने में एक नाबालिग युवती से बलात्कार के आरोपी को थाने पर लाया गया था, जहां रात में उसके द्वारा अपने शर्ट को फंदा बनाकर हवालात गेट पर फांसी लगा लिया। पुलिसकर्मियों द्वारा उसे दौड़ करके उतारा गया और CHC ले जाया गया, जहां से उसको गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है और इस संपूर्ण घटना में जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।